नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रालय के इस एपिसोड में चर्चा करूंगा पड़ोसी देशों की, जहां के आर्थिक हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पहले श्रीलंका ने संकट का सामना किया, यूं कहें कि अभी भी कर रहा है। फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी आर्थिक संकट से जूझने लगा है। इस तरह भारत के तीन पड़ोसी देश आर्थिक संकट से घिर गए हैं। उन्हें कहीं से कोई रोशनी भी नहीं दिख रही है, हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में जहां लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं, वहीं बांग्लादेश के हालात भी बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। बीते कुछ महीनों से देश के प्रमुख उद्योगों के उत्पादन तक प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे डॉलर संकट, ईंधन और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। डॉलर संकट के कारण बांग्लादेश बैंक ने बीते साल आयात पर कई पाबंदियां लगा दी थी। पर्याप्त डॉलर नहीं होने के कारण कई व्यावसायिक बैंक भी आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आयात करने वाले सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में डॉलर का गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है, जिससे उसके बंदरगाहों पर विदेशों से आयातित चीनी, सोयाबीन तेल, कच्चे माल तथा पाम तेल से लदे जहाज अटकने लगे हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए आयातकों को बैंकों की ओर से डॉलर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की खरीदारी कर पाना कारोबारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि कई उद्योग बंद होने के मुहाने पर खड़े हैं, कई बंद हो चुके हैं। डॉलर संकट के साथ ही बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ईंधन महंगा होने के कारण परिवहन और दूसरे खर्च बढ़ गए हैं। इसके साथ ही गैस के रेट बढ़ जाने से घरेलू जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। डॉलर संकट, ईंधन और गैस की कीमतों की वजह से दवाइयां भी महंगी हो सकती हैं। दरअसल इस समय बांग्लादेश में जरूरी दवाओं का 98% देश में ही बन रहा है। बांग्लादेश सरकारी रेडीमेड कपड़ा उद्योग के बाद दवा उद्योग को ही मुख्य निर्यात उत्पाद मानती है। दवा बनाने के लिए कच्चे माल का 80 से 85% हिस्सा विदेशों से आता है। अब ऐसे में जब आयात करना मुश्किल हो रहा है, तब दवाइयों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। इस बीच बांग्लादेश ने सऊदी अरब से कर्ज पर कच्चे तेल की मांग की है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टका की वैल्यू 25% तक नीचे आ गई है। नतीजा यह है कि बांग्लादेश में हाल में बिजली की कीमतें 2 बार बढ़ी, गैस की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस बीच IMF ने बांग्लादेश को $4.7 बिलियन की मदद पर हस्ताक्षर किए हैं। हालात का अंदाज इससे भी लगता है कि बांग्लादेश के पास पिछले साल जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार $46 अरब का था, जो अब केवल $32 अरब ही बचा है। $1 अरब की आज की कीमत 369.49 श्रीलंकन रुपया है, $1 की 272.84 पाकिस्तानी रुपया है वैल्यू, और $1 की वैल्यू बांग्लादेश टका का 108.36 है। ये रेट आज 3 फरवरी 2023 के हैं। उधर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई 48 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। पाकिस्तान के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 को मुद्रास्फीति की दर 27.55% दर्ज की गई है, जो मई 1975 के बाद से सबसे ज्यादा है। भुगतान संतुलन के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को विदेशी आयात के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कराची बंदरगाह पर हजारों कार्गो जहाज भुगतान संतुलन के कारण अटके हुए हैं, जिसे संकट और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के पास स्टेट बैंक में केवल $3.7 बिलियन बचे हैं, जो केवल 3 सप्ताह के आयात को कवर कर सकते हैं। स्टेट बैंक अभी बुनियादी वस्तुओं के लिए साख पत्र देने में असमर्थ है। बैंक केवल खाने और दवाओं का खर्च कवर करने की स्थिति में है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्हें पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के बाद हटा दिया गया था, वे 2019 में IMF से बेलआउट पैकेज पर बातचीत में कामयाब थे, लेकिन उनके सत्ता से हटने के बाद वो डील ठप हो गई। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में रुपये की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है, जिसके कारण देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिखरती अर्थव्यवस्था के बीच शहबाज शरीफ सरकार के पास सभी वर्किंग प्रोजेक्ट को बंद करने, कपड़ा कारखानों को बंद करने और घरेलू निवेश को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान के मजदूर पर पड़ने वाला है, या यूं कहिए कि पड़ रहा है, क्योंकि इस तबके को जहां से काम मिलता है वहां ज्यादातर जगहों पर तालाबंदी की स्थिति है। 23 जनवरी को केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए नीतिगत दर को बढ़ाकर 17% कर दिया, जो 1998 के बाद से उच्चतम है। वित्तीय संकट और अपर्याप्त आपूर्ति के बीच उच्च मुद्रास्फीति 2 स्वप्न बन गई है। यह PMLN के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की राजनीतिक पूंजी को कम कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। नमस्कार।